यही है हो ची मिन्ह का स्टैचू है। अभी जो हम बाहर आ चुके हैं स्काईटेक से, अभी हम जा रहे हैं यही, ये पूरा एरिया स्काईटेक चारों तरफ वाला है, रिवर साइड एरिया है जो साइगन रिवर है। यहाँ पे बहुत कुछ अट्रैक्शन है करने के लिए, बट जो कि भाई वॉकेबल है, लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, पता नहीं क्या लग रहा है, पूरा खतरनाक बारिश होने वाला है। सो वी ट्राई टू डू, देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं अपार्टमेंट कैफे, जो यहाँ का बहुत फेमस अट्रैक्शन है, एक पूरा अपार्टमेंट ही है जहाँ बहुत सारा कैफे है। सो वी आर गोइंग देयर नाउ। तो अभी हम आ चुके हैं अपार्टमेंट बाहर से काफी ज्यादा कुछ पूरा अपार्टमेंट ही है और अंदर ही सब स्कूटी बाइक सब कुछ पार्क किया हुआ है और एक तरह से सीढ़ी है हल्का से एलिवेटर लगा दिया गया है लग रहा है कि कोई अपार्टमेंट में ही जा रहे हैं। ऐसे के अंदर मल्टीपल शॉप्स ओपन है। सो अभी हम जा रहे हैं इंडियन हाउस और नीचे कुछ था नहीं ना इसलिए बंद किए हुए था। हेलो स्काई कैफे भी है, तो आपको यहाँ पे नियर बाय बहुत सारी अट्रैक्शन है, मतलब आप होल डे लेकर चलो, आप स्काईलाइन कवर कर लो, फिर बहुत सारी क्यूट क्यूट कैफे जैसे धीरे धीरे मैं अपडेट करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ। एंड आप पूरा स्ट्रीट घूम सकते हो, बस आपके मे जैसे बारिश नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट आ गई हूँ मैं, जस्ट आपका पूरा ये सेकेंड फ्लोर पे ही है और ये जो आपको मैंने पूरा बिल्डिंग बाहर से दिखाया है इसमें सिर्फ रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज है। तो हम सेकेंड फ्लोर पे इंडियन रेस्टोरेंट आ गए हैं, एक और कैफे में देखूंगी, कुछ देखते हैं कौन से फ्लोर पे चलते हैं। तो हमने अभी ये प्लेन सिंपल सा खाना ऑर्डर किया है और ऊपर और भी कैफे है तो हम ज़रूर जाएंगे। तो ये जो है टाउन, जो हमारा जो हो ची मिन्ह सिटी का मेन टाउन है, जो हम लोग बिल्डिंग पे गए थे, वो जो बिल्डिंग देख रहे ऊपर में हियर, तो इस बिल्डिंग के टॉप पे गए थे और बिल्कुल इस टाउन के सेंटर में ये जो कमल का फूल देख रहे हैं, इसमें वाटर फाउंटेन तो होता है, पीछे डबल डेकर बस चलती है, यहीं पे पीछे में जो हाउस है ये बहुत फेमस है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और यहीं पीछे सेरेटन का सेरेटन और हिल्टन दोनों साथ में होटल है बगल में ही। ये जो स्टैचू यहाँ पे देख रहे हैं यही है हो ची मिन्ह का स्टैचू है, हो ची मिन्ह स्टैचू। तो हम लोग अभी पहुंच गए किंग कोई कॉफी गार्डन, जो कि बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही अमेजिंग है। दिस इज जस्ट एन एंट्री गेट और एंट्री गेट पे आप कहोगे कि वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मेन्यू भी आप बिल्कुल ऐसे फिश के व्यू के साथ ओपन कर रहे हो, मेन्यू भी बिल्कुल आप फिश के व्यू के साथ ओपन कर रहे हो, फिश लुक्स लाइक वाओ।
और ये इनका पूरा मेन्यू है। प्राइस वगैरह इतनी भी सस्ती नहीं है, बट जो भी हो यार, इन्होंने जो इतना सुंदर सा डेकोरेट किया है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये प्राइस रिजनेबल है एंड वी कैन मैनेज इट। और ये पूरा व्यू के साथ, हाय हाय, ये पूरा कैफ़े है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। मैंने आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ कितना, ये पूरा जो कोई फीस है पॉन्ड है उसके अंदर इन्होंने सीटिंग बना रखा है, और उस सीटिंग में ही मस्त है, आपको फीस आ रही है वगैरह, आप फीड को फीस को फीड भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू फ्रॉम द बैक कैमरा। नहीं नहीं नहीं, जादू जादू जादू, हमें इसको होल्ड करो और इसके बाद ऐसे डालो, देखो कितनी साइज पीसेस आ जाएगी, देखना तुरंत पड़ेगी। मम्मी से मैंने सीखा है, देखो आई टोल्ड यू राइट, सी तो हमने यहाँ पे 10,000 डोंग में फिश का फिटिंग का ले लिया है, जिसे हम सारी फिशेस हमारे पास आ गई है।